हमारे साथ कायमगंज से जुड़ रहे हैं विनय अग्रवाल जी, व्यापारी नेता। नमस्कार। कमाल से आशुतोष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशुतोष तिवारी जी को नमस्कार। फरुखाबाद नमस्कार से, भैया। फरुखाबाद फतेहगढ़ से मोहित गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार मोहित गुप्ता जी। नमस्कार। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ने वाले थे, वो किन्हीं कारणों के बाद अभी लेफ्ट हो गए हैं, कुछ ही देर में वो आ जाएंगे। जयंत यादव जी, उनका भी स्वागत करते हैं हम उनके आने से पहले ही। आज की डिबेट जो है, आज की चर्चा को हम लोग डिबेट नहीं कहेंगे, चर्चा ही कहेंगे। ये किसी प्रकार से वाद विवाद नहीं होना है, कोई वाद विवाद पर चर्चा नहीं है। आज की जो चर्चा है, जो अपने जनपद में बीते 2 दिनों में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिनकी गिनती दोगुनी हो गई है, परसों निकला था कल एक और, किस प्रकार, कौन जिम्मेदार है, किस प्रकार से ढिलाई हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या हम लोग करना चाहिए, उसी बात पर चर्चा होगी। इसी के साथ आज हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? जी यस। पंकज जी, मैंने तो पहले ही ये इस चीज के लिए कहा था कि ना ग्रीन जोन, जी ना जी ऑरेंज जोन, ना रेड जोन। आशुतोष जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए, हम जानते हैं फुरखाबाद में डीएम एसपी के साथ जनपद के हर एक अधिकारी कर्मचारी ने कड़ी मेहनत की है इस संक्रमण से जनपद को बचाने के लिए। हमें उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए, लेकिन हम सबको इस बीमारी से अपने जनपद को बचाने के लिए जिला प्रशासन का और ज्यादा सहयोग करना होगा। गांव के कुछ उन मुखियाओं को भी शर्म आनी चाहिए, जो अभी भी बाहर से आने वाले की सूचनाएं जिला प्रशासन तक ईमानदारी से पहुंचाने में कतरा रहे हैं, क्योंकि वो अपना राजनीतिक फायदा या नुकसान कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इस बात से कहीं भी परहेज नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमारे और आपके मोहल्ले में भी अगर कोई कोई व्यक्ति चोरी छुपे से, प्रशासन की नजरों से, बॉर्डर से बचकर अपने अपने घरों को पहुंच रहा है, वो भी बहुत ही गंभीर विषय है। और उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दे देखने को मिले हैं कि हम लोग आप उन लोगों की सूचनाएं प्रशासन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी बात को लेकर आज चर्चा है। हम चाहेंगे आशुतोष तिवारी जी से वो अपनी बात रखें, किस प्रकार से इस समस्या से हम लोग को लड़ना चाहिए और किस प्रकार से हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। आशुतोष तिवारी जी। जी पंकज जी, मैं ये जी कह रहा था कि ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, हम फरुखाबाद में जब जी ग्रीन जोन घोषित किया गया तो बहुत खुशी हुई सभी को। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि फरुखाबाद की हालत वाटरमेलन जैसी ना हो जाए, कि ऊपर से तो ग्रीन जोन दिख रहा था और जब वो एकदम से विस्फोट हो और सारा का सारा जो है कोरोना पॉजिटिव लोग निकलने लगे। क्योंकि प्रशासन ने, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने भी देखा और बाकी सब भी जानते हैं, हमारे डीएम साहब ने और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी अच्छे से जो है संभाला, हर जगह जा जाके खुद उन्होंने ज्ञान में लिया आपने। लेकिन काफी हद तक जो ग्राम गांव के लोग हैं, जो बाहर मजदूरी करते थे और वो लौट कर आए, तो उनको क्वारंटाइन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए था। मेरे स्वयं के गांव में मैंने देखा कि आए, लिस्ट बनाई, जब कुछ लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया कि भाई इनको क्वारंटाइन में रखिए, रखा, इसके बाद उन्होंने बस उनको अपने घर भेज दिया। आशा बहू, संगिनी, आंगनवाड़ी, इन लोगों ने जब इन लोगों की लिस्ट को आगे बढ़ाना चाहा, तो जो लोग क्वारंटाइन में आए थे उन्होंने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। उनको कहा कि हम तुमको देख लेंगे, ये कर देंगे। बहुत ही विकट स्थिति उनके सामने आई कि वो बेचारी आगे उनका नाम नहीं दे पाई डर के मारे। प्रशासन ने तो इस पर भी थोड़ा संज्ञान लाना चाहिए था। पिछले दिनों देखा, 3 दिन में ही हमारे यहाँ ग्रीन जोन का जो
जो हम बात करते थे उसका उलट कर अब दो संक्रमित आ गए हैं हमारे सामने। लगता है कि जिस तादाद से ये लोग इकट्ठा होकर आए हैं, आगे चलकर इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, लेकिन कुछ जो प्रशासनिक चिकित्सा विभाग हो या पुलिस विभाग हो, उसमें कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों के ढिलाई करने के कारण यह सब जो समस्याएं हैं उत्पन्न होती दिख रही हैं। सबसे सबसे बिना बड़े हैं ग्राम प्रधान, वो अपने वोट बैंक को कहीं से भी वो न उनका हो जाए वोट बैंक, बात में इसलिए वो करा उनको सारी सुविधाएं दे रहे भी हैं। बात इसका जिक्र मैंने भी अपनी बात में किया, ग्राम प्रधानों को थोड़ा सक्रियता से इस मुद्दे को प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। वो अपने वोट बैंक का ख्याल ना करते हुए इस समय सिर्फ जो हमें जीवन को बचाने के लिए एक रणनीति, एक लड़ाई लड़नी है कि जीवित रहते हैं हम आप तो सब कुछ कर लिया जाएगा। इसी बीच में हम बड़े भाई विनय अग्रवाल जी से पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है कि जो क्वारंटाइन से लोग अपने अपने घर आ रहे हैं या उनको क्वारंटाइन में जो जिस तरीके से रखा जा रहा है, क्या उनकी राय है, क्या कहना चाहते हैं वो। धन्यवाद पंकज जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारी वार्तालाप कोरोना के विषय में हो रही है कि हमारा जनपद अभी तक की ग्रीन जोन में था, आज ऑरेंज जोन में तब्दील हो चुका है। कि इस बात का कौन जिम्मेदार या फिर ये कैसे हुआ, आज हमारा बात करने का विषय ये है। जिस प्रकार भारत सरकार ने कोरोना से लड़ने के तरफ वो एक सराहनीय कदम रहे, उन्हीं कदमों को उन्होंने राज्य स्तर से जिले स्तर पर इम्प्लीमेंट किया। जी जब सर्वप्रथम पहला लॉकडाउन जब लगा था, मजदूरों ने अपनी वापसी करी। जैसा कि आप सभी लोग कह रहे हैं कि सब जिलों में मजदूर पहुंच रहे हैं, बाहर के लोग पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना फैल रहा है। जी। लेकिन जब मजदूरों ने पैदल गमन चालू किया अपने अपने क्षेत्रों के लिए, उस समय जी भारतीय राजनीति का विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा जोर शोर से उठाने लगा कि इन मजदूरों को पैदल सरकार जाने दे रही है, इनका कोई सुध नहीं ले रही। जी जब मजदूर जहां फंस गया, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, उनका खाने का व्यवस्था नहीं बन पाई, तो उन्होंने मजबूरी बस वहां से पलायन चालू किया। जी फिर उस पलायन को राज्य सरकारों ने अपने स्तर से इम्प्लीमेंट करना चालू किया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम दिल्ली बॉर्डर पे अपनी बसें भेजकर उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश बुलाया। जी। बुलाने के बाद जिस जिस जिले में वो लोग पहुंचे, फिर वहां के जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उन आए हुए व्यक्तियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना है। आज अपने जिलाधिकारी बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा, उन्होंने जो कहते हैं फरुखाबाद जिले के लिए रोड मैप तैयार किया, जी वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा। लेकिन जी। सभी जिला अधिकारी भी स्वयं नहीं करते हैं, उसमें कार्यों का बंटवारा होता है ऊपर से नीचे। बाहर से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जैसा कि लगातार प्रारंभ से सुन रहे थे कि क्वारंटाइन 14 दिन 14 दिन 14 दिन। इस बात बाहर से आपको क्वारंटाइन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बात निकल के आ रही, क्वारंटाइन करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, जिस कारण क्वारंटाइन वही चीज अपने घर को चला जा रहा है। जैसा कि परसों प्रथम मामला था जिसमें पंकज जी, वही आना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि जिलाधिकारी सभी कार्य खुद नहीं देख सकते,
जब बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों को, बाहर से आए हुए व्यक्तियों को जब क्वारंटाइन किया गया, तो उसकी व्यवस्था उप जिलाधिकारियों के माध्यम से, वहाँ के प्रधानों के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से क्वारंटाइन किया गया। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, 5 दिन पहले जो श्रम एक्सप्रेस जो आई थी उसके सारे मजदूर फरकावास से कायमगंज भेजे गए। हाँ, करीब 1300 मजदूर जो आए थे। हाँ, कायमगंज आए थे। अब क्वारंटाइन का सिस्टम, जैसा कि सरकार लगातार 14 दिन का जो बोल रही थी, लेकिन उन क्वारंटाइन सेंटर का जो मुझे समझ में आता है कि उन क्वारंटाइन सेंटर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अव्यवस्था फैली। जैसा कि आज फरकावाद का भी एक वीडियो आया था जो स्कूल में बाहर से, जो जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घर को पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं क्वारंटाइन सेंटर से। क्वारंटाइन सेंटर का एक फरकावाद का एक मैं वीडियो देख रहा था, उस स्कूल का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, बाहर से ताला लगा हुआ, एनएकेपी। हाँ, तो नीचे से कल यूथ इंडिया में उसका, यूथ इंडिया में उसकी खबर भी लगाई गई थी। हाँ, फाटक के नीचे से वो लोग चिल्ला रहे थे कि बच्चों को दूध नहीं मिला, बिस्किट नहीं मिला, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। उसमें लेखपाल की सरासर गलती दिखाई जा रही थी कि लेखपाल जो वहाँ के कोई लेखपाल थे, नाम शायद याद नहीं, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिस क्वारंटाइन सेंटर में की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी देख रेख जो क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी खामी है, उस व्यक्ति के साथ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अगर उस क्वारंटाइन सेंटर पर उचित व्यवस्था या उचित कार्य संपन्न नहीं कर रहा वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, अगर जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं कर रहा है, उसके ऊपर तुरंत जिलाधिकारी की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे अन्य लोग, अन्य जो लोग कहते इस कार्य में लगाए गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को सही से समझेंगे और उस कार्य को व्यवस्था पूर्वक चलाएंगे। जैसा कि शमशाबाद वाले केस में भी आया था कि वो क्वारंटाइन सेंटर से वो मरीज शमशाबाद तक पहुंच गया जी, उसके बाद उसकी ब्लड रिपोर्ट आती है, वो पॉजिटिव होता है, तब उसको ढूंढा जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई। अब वो किस स्तर से हुई, इस चीज को माननीय जिलाधिकारी जी ने संज्ञान में लेकर, और जो भी उस चीज के, उस कार्य के दोषी लोग हैं, उन पर उचित कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ये कमियां ना हो पाए, जिससे हमारा जिला कोरोना की लड़ाई में, लड़ाई को सही से लड़ सके। मेरी भी एक राय थी कि जिला जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन रखा गया है, जैसा कि क्वारंटाइन जिनको किया जा रहा है उनका सारा डाटा प्रशासन के पास है कि कौन कहां से आया है और कहां जाएगा, तो एक राय और मेरा मानना था ऐसा कि क्यों ना, जैसे कि हम लोगों के जो विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाएं होती है हाई स्कूल इंटर की, जिस तरीके से सेंटर दिया जाता है, फरुखाबाद वालों को फतेहगढ़ भेज दिया जाता है, फतेहगढ़ वालों को फरुखाबाद भेज दिया जाता है, कायमगंज वाले शमशाबाद जाते हैं, मतलब डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे कि तो क्वारंटाइन करने से पहले अगर कोई प्रवासी मजदूर बाहर से आया है तो क्वारंटाइन करने से पहले आप देख लीजिए अगर वो किस निवासी का, अगर वो फरुखाबाद का रहने वाला है तो उसको आप कमालगंज करिए उसको क्वारंटाइन, तो वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर उसे रखा जाए, कम से कम उसकी दूरी रखी जाए। यह बात वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो उन लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि हमारी चर्चा है अभी तक पहुंचे, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ भी सकते हैं। इस कार्यक्रम की सोशल लाइव के ऊपर एक लिंक आ गया होगा, उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, आप की बात कह सकते हैं। जी मोहित जी, अब आप बताइए ढिलाई हो रही है, कौन जिम्मेदार है जो बाहर के मजदूर आए और वो क्वारंटाइन सेंटर से अपने अपने घर चले गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या, और आगे कोई ऐसी समस्या ना आए, हमारा शहर जो ग्रीन जोन है
को ग्रीन जोन में ही बना रहे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम अपनी को भी जोड़ेंगे इसके बाद। सभी का हम स्वागत करते हैं जी, आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं जो फेसबुक लाइव में देख रहे होंगे, हमारे भाई लोग उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप यहीं रहिएगा। इस फेसबुक के माध्यम से हेलो आवाज आ रही है? हेलो आ रही है? फेसबुक के माध्यम से आ रही है? हम ये आप सभी को हमारा प्रशासन ने डीएम साहब ने बहुत मेहनत की और लोगों को साथ दिया ग्रीन जोन बनवाने को बनवाने के लिए, मगर ग्रीन जोन बनने पर फरुखाबाद के लोग जो इस चीज को हल्के में ले रहे हैं वो कोरोना एक बहुत भारी महामारी है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि आपने तो देखा होगा फरुखाबाद जनपद में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हम कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर सरकार ने कहीं ना कहीं सरकार ने उनको भरोसा नहीं दे पाया, वो मजबूरी में चल रहे हैं जी, क्यों नाकाम रही है राज्य सरकार और भारत सरकार, क्योंकि वो विवश हुआ, आपने भरोसा क्यों नहीं दे पाया है? मगर उन जो मजदूर लोग आ रहे हैं उनसे अनुरोध करते हैं आप लोग पैदल नहीं जाएं, आपका राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर में आप संपर्क करके आप लोगों को लाया जा रहा है। ये मोहित जी आपको एक मिनट टोकेंगे, आपने भारत सरकार और राज्य सरकार के ऊपर पूरा डाल दिया। आपसे थोड़ा ये जानकारी करना चाहेंगे कि भारत वर्ष के जितने राज्य हैं किन राज्यों से मजदूरों का सबसे अधिक पलायन हो रहा है? भारत के किस राज्य से सबसे अधिक मजदूरों का पलायन? दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात, मेरी नजर में तीन राज्य जी सही हूँ? दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र। दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र। और उन मजदूरों के पलायन पे विपक्ष क्या खेल खेल रहा है, जब केंद्र सरकार ने यह बोला कि 85% रेल का किराया केंद्र देगा, 15% राज्य सरकारें देंगी, उसके बाद इन राज्यों की सरकारों ने क्या किया? वहां पे क्या एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि सोनिया गांधी आपका किराया दे रही है, कांग्रेस आपको भेज रही है? ये भारत ये भारत की दुर्गति है कि आज कोरोना की लड़ाई में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि आज का समय ये है कि हमको आज मिलके कोरोना से लड़ना है। एक दूसरे के ऊपर हमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना है कि भारत सरकार नाकाम रही या राज्य सरकार नाकाम रही। और सुनिए मोहित जी सुनिए, कोरोना किसी जिले, प्रदेश या देश की लड़ाई नहीं है, ये विश्वव्यापी लड़ाई है, विश्वव्यापी महामारी है। जब आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे विश्वव्यापी के दर्शन के हिसाब से जब आप देखेंगे तो भारत को कोरोना की लड़ाई में बहुत आगे पाएंगे। आप कतई ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार कोरोना की लड़ाई में नाकाम है या गलत है या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की गलत है। जब आप विश्व का आकलन करेंगे, भारत को आप कोरोना की लड़ाई में कहां खड़ा पा रहे हैं, किस नंबर पर? मोहित जी जवाब दीजिए, किस नंबर पर भारत को खड़ा हुआ पा रहे हैं? आपने कह दिया कि भारत सरकार की नाकामी है। अभी आज तक जो चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अवगत है, जो मजदूर लोग आ रहे हैं उनसे किराया आप वसूल कर रहे हैं, वो किस चीज का किराया वसूल कर रहे हैं? कोरोना महामारी को लेके केंद्र सरकार की गाइडलाइन ये आई थी कि जिन राज्यों ने ट्रेन की सुविधा को जिस राज्य सरकारों ने मांगा, उन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने ट्रेन
कहते हैं मुहैया कराई, उसमें केंद्र सरकार ने कहा 85% केंद्र सरकार इसका खर्चा वहन करेगी और 15% राज्य सरकार। और उस समय जब कहते हैं ट्रेन चलाई गई, तब वो 15% जो किराया था केंद्र सरकार ने इंडिविजुअली कहते टिकट नहीं बेचा है, उन्होंने बल्क में टिकट बेचा है, राज्य सरकार को टिकट बेचा है, उन्होंने व्यक्ति को टिकट नहीं बेचा है, राज्य सरकार को टिकट बेचा है। 15% 100 रुपए का सिर्फ 15 रुपए राज्य सरकारों के ऊपर भार डाला और बल्क में वो टिकट बेचा, लेकिन वो टिकट राज्य सरकारों ने इंडिविजुअली बेचा और उसका रुपया उन्होंने दोगुना तिगुना जो भी लिया। और उस चीज पे कहते राजनीति जहां पे जिसकी जो गलती हो उसे हमें कहते दर्शाना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर आप केंद्र सरकार को खींचेंगे तो ये आपका गलत है। जो कि हेलो आवाज आ रही है? आ रही भाई साहब आ रही। ये चीज आप हेलो आप बता आप इस वीडियो के माध्यम ये कहें आप रेलवे ने वसूली नहीं करी है मजदूरों को, रेलवे ने वसूली किसी प्रकार की नहीं की है। जो रेलवे अपना नंबर बढ़ाने के लिए एक दिन की प्रधानमंत्री केयर फंड को देती है और दूसरी तरफ आप मजदूरों से वसूली कर रहे हैं, ये दोहरी चरण की राजनीति क्या दिखाना चाहते हैं आप भारत की जनता को? यही तो कंफ्यूजन है। हमारा जवाब सरकार ने केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अनुमोदन पर जिस राज्य में ट्रेन चलाई उस राज्य को 15% में बल्क में वहां का टिकट उस राज्य सरकार को मुहैया कराया, ताकि उन्होंने इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को टिकट बेचा। दोनों चीजों में मोहित जी फर्क समझिए, जैसा कि हम लोग जी अग्रवाल जी, मैं आप दोनों लोगों से कहना चाहूंगा आज की जो हमारी चर्चा है वो इस जो आप लोगों का टॉपिक चल गया है फरुखाबाद में फरुखाबाद हम अपने फरुखाबाद की बात करना चाहते हैं। माननीय पंकज जी तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप निवेदन करिए फरुखाबाद से आगे हमारी चर्चा ना ले जाए, फरुखाबाद से आगे हमारी चर्चा को ना ले जी 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 यही Hello? यही यही हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग अपने फरुखाबाद की ही बात करना चाहेंगे। हेलो और आप मोहित जी आपसे भी अनुरोध है कि बात फरुखाबाद की ही करेंगे, सभी लोगों से अनुरोध है कि फरुखाबाद हम लोगों की जो चर्चा है कि आज हमारा जो जनपद की हम बात करना चाहते हैं। जी 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 किस प्रकार से जो बाहर से लोग आ रहे हैं आ रही है जिस प्रकार से जो बाहर से लोग चुपचाप से आ रहे हैं प्रशासन की नजरों से बचकर आ रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप मोहित जी? सबसे पहले हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आप क्वारंटाइन में 14 दिन से पहले आप घर जाने की इजाजत किसके आदेश में चिकित्सा विभाग देता है, उसके बाद कोरोना की रिपोर्ट आती है, फिर वो सबसे संपर्क में आता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, ये एक चूक है। जो ये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं तो वो घर से घर जाने की इजाजत कैसे दे दी जाती है और उसकी रिपोर्ट आने से पहले घर जाने की इजाजत कैसे दी? अच्छा दूसरी बात हमारी ये है जो आशुतोष तिवारी जी से आप मेरा सवाल है कि आप क्या मानते हैं आशुतोष शिवाजी जी, आपको क्या लगता है कि जो मोहित जी कह रहे हैं और हम लोगों सभी को देखने में मिल रहा है कि नियमानुसार जो बाहर से लोग आ रहे हैं जो प्रशासन की नजर में है, बकायदा मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रशासन से बॉर्डर से बचकर अपने अपने घर को आ रहे हैं चोरी छिपे, उनको छोड़कर जो प्रशासन की नजर में है तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन रखने की बजाय 2 या 3 दिन में ही अपने घर भेज दिया जा रहा है, इस पर आपकी अपने गाँव को छोड़कर पूरे जनपद के लिए क्या राय है कि ऐसा हो रहा है और होना उचित है या नहीं है उचित है? जी पंकज जी मेरी राय यही है कि यदि
जो भी क्वारंटाइन में जाता है और जो भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं या जो भी, तो उनका टेस्ट जो होता है उसका, जब तक उसकी रिपोर्ट ना आ जाए, पहली बात तो ये कितने रहे हैं और जो हो भी रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक उनको क्वारंटाइन में रखना अति आवश्यक है। बिल्कुल, अगर इसी के साथ चूक होती है, जैसे कि 2 दिन में हमारी स्थिति बदली है, वो इसी वजह से कि एक व्यक्ति तो क्वारंटाइन में था, जो बताया गया कि जेएनवी रोड पर जो मूक बधिर विद्यालय है उसमें क्वारंटाइन था, वो सीधा आया अहमदाबाद से और उसको क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन शमशाबाद वाली जो रिपोर्ट आई है उसमें देखा गया कि वह व्यक्ति 2 दिन आया और वो अपने घर भी रहा, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। जब तक इनकी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक इनको क्वारंटाइन में रखना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, आपको थोड़ा करा जी, जैसा रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें क्वारंटाइन से भेजा जाए, लेकिन आप लोग के लिए ये बता दूं, अगर कोई कोरोना का संदिग्ध है, ये भारतीय स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता का मैं बता रहा हूँ जो मैंने टीवी पे देखा कि अगर कोरोना की संदिग्ध की जब हम जांच करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रथम जांच में ही कोरोना पॉजिटिव निकल आए, इसी कारण 14 दिन के क्वारंटाइन की बात यहाँ पर करी गई है कि उसका 2 या 3 दिन बाद जब अगर हम जांच करते हैं, तो प्रथम जांच में अगर कोई व्यक्ति निगेटिव निकलता है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी जांच में भी निगेटिव निकले। उस 14 दिनों में 4 या 5 बार जांच में अगर वो 5ों जांचों में नहीं निकलता है तब क्वारंटाइन से बाहर भेजना चाहिए। बहुत से मरीज ऐसे भी हैं कि प्रथम 4 बार की रिपोर्ट निगेटिव आई लेकिन 5वीं बार की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव हो गई, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर का नाम लेके 2 या 3 दिन रुके जो भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। जैसा कि WHO ने भी क्वारंटाइन के लिए 14 दिन नियत किए गए हैं, 14 दिनों का हमें अनुपालन करना अति आवश्यक है। 14 दिन के बाद ही वो व्यक्ति निगेटिव माना जा सकता है, अन्यथा प्रथम रिपोर्ट के आधार पर क्वारंटाइन सेंटर से उसे बाहर कर दिया तो वो जरूरी नहीं है कि वो कोरोना का दोबारा उसे पॉजिटिव नहीं होगा। जी जी, ये क्वारंटाइन में 5 बार जांच होने के बाद अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में रहता है और 5 बार जांच होनी चाहिए उसकी, तब उसको घर भेजा जा सकता है। यही बात हमारी भी है और मैं अपनी इस फेसबुक लाइव और आज जो ग्रुप चैटिंग हो रही है इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं उन अपने लोगों से, अपने जनपद के उन लोगों से कहना चाहता हूँ और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनके घर के आसपास ऐसी घटनाएं हो रही है, कि आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चुपचाप से प्रशासन की नजरों से बचकर अपने निजी वाहन से अपने घर को, अपने रिश्तेदारी में पहुंच गया हो, तो आप उसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस विभाग को दीजिए या जो भी कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हो उस पर दीजिए। और जो आने वाले लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए डायरेक्ट, अगर आप प्रशासन की नजरों से बचकर आ ही गए हैं तो आप डायरेक्ट घर ना जाइए, 14 दिन क्वारंटाइन में रहिए। अब कुछ लोगों का कहना इसमें यह होता है कि भाई हम घर पे हैं, घर में क्वारंटाइन में है, लेकिन देखिए आप कितना भी घर में रहें, घर में आप क्वारंटाइन नहीं हो पाएंगे, आप बाहर निकलेंगे, आप किसी को पहुंचाएंगे। इस पर क्या राय है मुझे आप? हेलो मोहित जी, बताइए। सबसे पहले हम अपने फेसबुक मित्रों से ये अवगत कराना चाहते हैं, फर्रुखाबाद के जनपद वासियों से, जो बाहर का व्यक्ति आया है जो प्राइवेट वाहन से और मोहल्ले में या पड़ोस के ग्राम में जैसी जानकारी मिले,
तत्काल आप कंट्रोल रूम का नंबर जो प्रशासन ने जारी किया उसको आप सूचित करें। जान है वो जान है, आप बुराई ना देखें, बुराई आप देखेंगे आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप सबको कैसे बचाएंगे। जरूर हम लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये ग्रीन जोन से अब तब्दील ऑरेंज जोन में हो गया है। हम लोग नहीं जागरूक होंगे तो ये एक बीमारी पूरे फुरकाबाद में फैल जाएगी। इसलिए सभी विधानों से भी अपील करना चाहते हैं, आप वोट के खातिर लोगों को आप सिफाई ना, जरूर आप प्रशासन को बताएं और सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और जहां से भी कोई व्यक्ति चोरी से पे आ भी गया है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको घर जाने की जरूरत नहीं है। टाइम सेंटर में आप जाएं अपना चेकअप कराएं और बहुत से मरीज पूरे देश में 20,000 मरीज स्वास्थ्य विभाग ने ठीक किए हैं, कोई ये घबराने वाली बात नहीं। मगर आप सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें और बस हम अपनी बात को यहीं से अपनी विराम करते हैं। विनय अग्रवाल जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग प्रशासन की नजरों से बचकर अपने अपने घर को जा रहे हैं और जिनके घर के आसपास ऐसे लोग संदिग्ध लोग मौजूद हैं, तो उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये संदेश देकर अपनी बात को खत्म कीजिए। पंकज जी, जो लोग इस तरीके कर रहे हैं जी, इस तरीके का कर रहे हैं अभी उन्हें वास्तव में उनसे प्रशासन को लड़ना भी नहीं आ सकता है। कितना प्रशासन कितना लड़ेगा, प्रशासन कितना देखेगा कि आप कहां से घुसा है, उनको सोचना चाहिए। चीज आपसे कह रहे हैं जो लोग ऐसा कष्ट कर रहे हैं उन्हें वास्तव कोरोना क्या है इस चीज का उन्हें अभी आभास नहीं हो रहा है। वो अपने साथ और समाज और अपना क्षेत्र सबको ही संकट में डालने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से निवेदन यही है कि सरकार की इतना सरकार कहते हैं हर तरीके से जागृत करने की कोशिश कर रही है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप जागृत होइए, प्रशासन का सहयोग करिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे जो दिन रात के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, इससे वो अपना अपने परिवार का अपने समाज का अपने क्षेत्र को कोरोना से बचा सके। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ। आशुतोष तिवारी जी, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ बिल्कुल। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग प्रशासन से नजरें बचाकर अपनी होशियारी दिखाकर अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं और इससे अनजान है कि हम अपनी और अपने परिवार वालों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पंकज जी, मुझे एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई कि गांव में पड़ी मरी अपनी अपनी परी जी। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगा कि सच्चाई के साथ फर्रुखाबाद जनपद वासी सच्चाई के साथ बिल्कुल जिनका जो दायित्व है बनता है वो अपना अपना निर्वहन करें। ये ना डाले कि मैं क्यों करूं, सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, वो जिम्मेदार है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, प्रधान की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति की लड़ाई में हम सबको जिलाधिकारी, हम सबको पुलिस अधीक्षक, हम सबको इंस्पेक्टर, हम सबको प्रधान, हम सबको सभासद, विधायक, सांसद बनना पड़ेगा, आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वयं की स्वयं के ऊपर अपनी जो है लीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सकता है, जो आपसे कम मतलब मजदूर तबका है उसकी आप मदद कीजिए, आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, आपसे जो उच्च तबका है जो अमीर लोग हैं उनसे सहायता लेकर उनकी मदद करवाइए, जितना जिस व्यक्ति से जो हो सकता है, क्योंकि महामारी रोज रोज नहीं आती है, ये सहस्त्रों शताब्दियों में कभी एक बार आती है, तो अब हमारे सामने ये आ गई है, तो इससे हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमको प्रत्येक व्यक्ति का साथ देना चाहिए, अपने प्रशासन का साथ देना चाहिए तथा अपने आसपास के जो हम बहुत ज्यादा उसकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति नहीं ले सकता। मैं चाहूं कि मैं
पूरे फरुखाबाद की जिम्मेदारी ले लूं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी गली की जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं अपने गांव में जो मेरा मोहल्ला है उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। कम से कम उसमें मुझे पता चल सकता है कि कौन विपत्ति का मारा है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन बाहर से आया है, मतलब प्रत्येक सारी सारी जो विषय हैं सब विषयों पर मैं संज्ञान ले सकता हूं। तो मैं अपने मोहल्ले ऐसी तरह से अगर फरुखाबाद का प्रत्येक व्यक्ति सोच ले, ठान ले, तो आज भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये महामारी से हम लड़ लेंगे, हारेगा कोरोना जीतेगा फरुखाबाद। महामारी से लड़ा जा सकता है, लेकिन महामारी से लड़ा जा सकता है, लेकिन ये बताइए बताइए बताइए, फिर मैं अपनी बात कहकर इस सेशन को समाप्त करूंगा। एक बात कहना चाहते हैं, चंद पैसों की लागत में जी तो पूरे जनपद में जो बॉर्डर सील किए गए हैं वहां पे चंद पैसे की लालच में कुछ पुलिस कर्मी बाहर के जिले के अंदर घुसवाते हैं, ये एक खतरनाक, इस वीडियो के माध्यम से हम पुलिस कप्तान तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज करें और वहां पे कैमरा लगा के सर्विलांस के जरिए से उसकी निगरानी करी जाए, जिससे कि बाहर का व्यक्ति बॉर्डर में घुस ना सके। कुछ लोगों के गलत कार्य करने के कारण जो लोग सही कार्य कर रहे हैं उनको भी निशाने पर ले लिया जाता है, कहीं ना कहीं इस बात से वो नहीं मोड़ा जा सकता। तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे और कहना चाहेंगे कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना है। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। विनय अग्रवाल जी कायमगंज से जुड़े हैं, अपना कीमती समय निकालकर उन्होंने हमारे इस पोस्ट पर आकर अपना कीमती समय दिया, राय दी, जनता को थोड़ा सा समझाया। तो तिवारी जी, आशुभाई जी, राई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा धन्यवाद, मेरा धन्यवाद आप चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, सर आपके माध्यम से अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग जल्द ही इसी प्रकार से एक और नया लाइव सेशन चलाएंगे जिसमें कि नए नए मेहमान होंगे। कुछ मेहमान और हमारे आज आने को थे लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पाए, और उनको हम गाइड करेंगे आगे किस तरीके से जुड़ना है। तो इसी के साथ हम आज की है चर्चा समाप्त करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। आप इस वीडियो को अपना कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना सहयोग हमें बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।